अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया खान किचन। मैं हूँ सोनिया खान। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल की फ़िश फ्राई। ये घर में ही बहुत टेस्टी बन जाती है, तो इसके लिए हमने फ़िश ली है 1 kg। हमने इसको लेके ऐसे कट के निशान इसमें लगा लिए हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद इसको 1 घंटे तक हमने छलनी में रखा है ताकि इसका जो भी पानी हो वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब ये पकाने के लिए तैयार है। इसके लिए हमें मसाले चाहिए होंगे। ये गरम मसाला पाउडर है, ये हमने 1/2 teaspoon लिया है। रेड चिली फ्लेक्स है, ये 1 teaspoon है। किसी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon। हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon। सॉल्ट हमने लिया है 1/2 teaspoon। की कसूरी मेथी है, ये भी हमने 1/2 teaspoon ली है। लहसुन का पेस्ट है, ये 2 खाने के चम्मच हमने लिए हैं। ये राइस का आटा है, चावल का आटा, ये हमने 1 teaspoon लिया है। बेसन 2 चाय के चम्मच लिए हैं। लेमन जूस है, ये भी हमने 2 चम्मच लिए हैं। और ये साबुत धनिया है, 1 चम्मच हमने लिया है। इसको हमने रोल ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद हमने इसको मोटा मोटा पीस लिया है। ये ज़ीरा है, इसको भी हमने 1/2 teaspoon लिया था, इसको भी हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लिया है। और ये 1/2 चम्मच अजवाइन है, इसको भी हमने पीस लिया है, इन तीनों चीज़ों को। तो चलिए अब हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा, साबुत धनिया और अजवाइन, ये तीनों चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। बेसन 2 चम्मच हमने लिया है। लेमन जूस, लहसुन का पेस्ट, अब ये तमाम मसाले हमारे आ गए, ये सब हमने इसमें शामिल कर दिए। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन हम इसलिए डाल गए ताकि हमने इसमें जो साबुत धनिया हमने डाला है तो ये कोटिंग हमारी उतरे नहीं, उसकी वजह से। अब इसमें पानी की ज़रूरत है, हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसका हम अच्छा सा बना लेंगे मिक्सचर, अच्छी सी कोटिंग तैयार हो जाएगी। फिर इसको हम मछली पर लगा देंगे। ये देखिए हमारा अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको मछली पर लगाएंगे। फिश ले ली हमने, इस पर ऐसे ऐसे करके हम अच्छी तरीके से कोटिंग कर देंगे इसकी, ताकि मसाला हमारा अच्छे से अंदर तक मछली में जज्ब हो जाए। ऐसे हम करके सब मछलियों पर मसाला लगा लगा के रखते जाएंगे इसको। ये देखिए इसको अच्छा सा लग चुका है हमारा मसाला। अब हम इसको सबको लगा लेंगे मसाला ऐसे। ये देखिए हमने मसाला लगा दिया है तमाम फिश पर। अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे तरीके से मछली में जायका दे दें। 1 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट किए हुए फिश को। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल ये देखिए हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए। अगर हम ठंडे ऑयल में फ़िश को डाल देंगे तो हमारा जो भी मसाला है मछली का वो नीचे जाके चिपक जाता है, इसीलिए हमें गर्म ऑयल में ही डालना है इसको। अब हम इसको 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, टच करेंगे चम्मच से। 1 मिनट के बाद हम इसको हिलाएंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, अब हम इसको पलट देते हैं। अब हम इसको पलट कर दूसरी साइड से पकाएंगे। एक एक करके हम सबको पलटते जाएंगे। हम इसको मज़ीद 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका प्यारा सा कलर आ चुका है। हमने ये 1 किलो पापलेट मछली ली थी। आप चाहें तो पापलेट की जगह कोई और भी मछली ले सकते हैं और सेम यही मसाला लगा के आप उसको फ्राई कर लीजिए, बिल्कुल आपकी इसी टाइप की अच्छी बनेगी मछली।
हम इसको निकाल लेते हैं ऑयल अच्छे तरीके से निकाल के। इसको हम पेपर टॉवल पे निकाल देंगे इसे। अब हम बाकी की फिश को भी डाल के फ्राई कर लेते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी फिश फ्राई तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम ऊपर से जो हम फ्रूट चाट में मसाला डाल के खाते हैं, फ्रूट चाट मसाला, वही हम इसके ऊपर से डाल देते हैं। इससे बहुत मज़े की लगती है ये। ऐसे हमने ऊपर से डाल दिया है ये मसाला, तो आप भी ऐसे डाल के खाइए, बहुत ही टेस्टी बन जाती है घर की और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनी है ये। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही अगर जिन्होंने मेरे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।